हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलर दारा। एक बार फिर आपके सामने स्वागत करता हूँ अपने चैनल सोलर दारा में। सो दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है आपके सामने। मैं आपको रीजन बता चुका हूँ पहले भी कि पीछे कुछ दिन बीमार रहा, रेस्ट करना पड़ा, बट अभी सब कुछ ओके है। मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, घूमने फिरने का टाइम आ चुका है, मस्ती का टाइम आ चुका है, वो भी आपके साथ करने का। सो अभी का मेरा प्लान पता है क्या है? अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त आया था राजकोट से, उससे मैं उसको बता रहा था कि यार हमारी दिल्ली जो है ना, खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। पता है, अब उसको तो मैंने बता दिया, बट मैंने सोचा मैंने आपको क्यों नहीं बताया। इतने टाइम से वीडियोज बना रहा हूँ, बट मैंने आपको आज तक बताया ही नहीं कि हम इतनी मशहूर जगह खाने पीने की के बीच में रहते हैं। दिल्ली दिल्ली बाहें खोल के बैठी है। अगर आप खाने के शौकीन है तो आ जाओ, आपका पेट भर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, आपका मन नहीं भरेगा। सो दोस्तों, आज तैयार हो जाओ, मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली में कुछ ऐसी जगह, दिल्ली के दिल सीपी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, और हम वो मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो चले साथ में, फुल मस्ती करते हैं, पेट भर के मस्ती करते हैं। चलते हैं अभी हम दिल्ली, दिल्ली वालों की दिल्ली, कनॉट प्लेस में। जनपथ मार्केट से निकल के, यहाँ से जनपथ मार्केट जो कपड़ों की मार्केट आप देख रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे। इसके जस्ट पीछे अंदर मार्केट है, यहीं पे सामने देखो ये शॉप है, डी पॉल्स के नाम से, हमें इस पे जाना है। चलो हम पहुँच गए। भैया ये कोल्ड कॉफी हेजलनट, सो दोस्तों फाइनली मैं अभी आ गया हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि पूरा सीपी घुमाने वाला हूँ, और सीपी में सबसे पहले मैंने जो लोकेशन चूज करी है वो है डी पॉल्स। जनपथ मार्केट आपको मैंने भी दिखाई पूरा रास्ता यहाँ पे आने का। जनपथ मार्केट जो कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर मार्केट है, उस मार्केट के जस्ट पीछे ये शॉप है डी पॉल्स, शॉप नंबर 22 है, और ये सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने शेक्स के लिए, कॉफ़ी के लिए, कोल्ड कॉफ़ी के लिए। कोल्ड कॉफ़ी मैंने लिए हेजलनट। आप बॉटल देख रहे हो कितनी प्यारी बॉटल है, कितना डिफरेंट शेप में बॉटल है उसका, उतना ही आई होप टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मैंने तो पहले भी अभी बताने वाला हूँ, इसका फीडबैक मैं पूरा दूंगा। और इसी के ठीक बगल में डोलमा आंटी के मोमोज, ये देखो डोलमा आंटी के मोमोज, शॉप नंबर 21 है, एक ही शॉप पहले है। इनके मोमोज बहुत मशहूर हैं, लाजपत नगर से इनका काम स्टार्ट हुआ था, यहाँ का इनका सेकेंड ब्रांच है। कॉफ़ी के साथ में लेने आ रहा हूँ डोलमा आंटी के मोमोज। सो मेरा फर्स्ट आउटलेट आपको दिखा दिया मैंने, और मैं इसको पहले खाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करना है। कई बार मैंने कोल्ड कॉफ़ी भी ना बहुत बड़े बड़े ब्रांडों में भी है, तो हेजलनट का जो फ्लेवर आ रहा है ना कोल्ड कॉफ़ी में, अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कॉफ़ी को टेस्ट में मैं 10 में से 10 दूंगा, प्राइस में भी 10 में से 10 दूंगा। भैया 70 रुपये में इतनी अच्छी कॉफ़ी, इतनी बढ़िया बॉटल के साथ, इतनी अच्छी शेप के साथ में, आई लव दिस कॉफ़ी। अभी मैं साथ में लेने वाला हूँ पनीर मोमोज। सो पनीर मोमोज भी आपके सामने मैं ऑर्डर करता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, सो अभी जो है मेरा पहला वाला जो स्टॉल है वो सबसे बढ़िया रहा, मुझे मज़ा आया कॉफ़ी पी के। मोमोज़ खाने का मेरा कोई खास मन नहीं था मोमोज़, क्योंकि ना नॉन वेज मोमोज़ मिल रहे थे, चिकन मोमोज़ ऑनली थे। मेरा सुबह बिल्कुल मतलब सुबह भी नहीं है, बट अभी मेरा ब्रेकफास्ट में चिकन मोमोज़ खाने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया सिर्फ कॉफ़ी पी। मैंने वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी पी विद हेजलनट, हेजलनट फ्लेवर कोल्ड कॉफ़ी में अलग ही मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट कॉफ़ी है कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी मतलब एक्चुअली कॉफ़ी का मैं बहुत शौकीन भी हूँ, तो कॉफ़ी के शौकीन होने की वजह से मेरा प्लान किया कि कोल्ड कॉफ़ी पीता हूँ विद हेजलनट। सो अभी आपने देखा पहला मेरा काउंटर। सो हम कभी भी कहीं भी कोई भी मील लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं स्नैक्स लेना या कुछ तरह का ड्रिंक्स लेना, उसके बाद हम चलते हैं अपने मील की तरफ को। तो अभी हम मैं जाने वाला हूँ मेन मील की तरफ को। अब सीपी में ही आपको बहुत अच्छी जगह मेन मील दिखाने वाला हूँ, आई होप आपको उस मेन मील में भी मज़ा आने वाला है। सो चलते हैं अभी, आई रीच, मैं गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। We'll be right back.
सो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ शंकर मार्केट। सीपी में शंकर मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ का एक राजमा राइस। सो दोस्तों, राजमा राइस वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिन से मैंने राजमा राइस खाया भी नहीं है, और मुझे ये वाला राजमा राइस घर के राजमा राइस से बेटर लगता है। जी हाँ, सो अब मैं एक काउंटर आपको दिखाने वाला हूँ राजमा राइस के लिए, बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग होते हैं। अब देख के समझ आओगे इतने अच्छे तरीके से बनाए हुआ राजमा राइस में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपको इनका फेमस फूड राजमा राइस। देख रहे हो यार, ये आप राजमा राइस की प्लेट देख रहे हो, पापड़, हरी चटनी, दही राजमा के साथ, प्याज के साथ, अचार के साथ में। तो थाली देख के मज़ा आ गया, देख के ना बहुत दिन बाद एक तो मैं बीमारी से उठ के निकला, बाहर का खाना वैसे ही बनता। पहले मैं ये खाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में, मिलते हैं खाने के बाद। बहुत ज़्यादा टेस्टी है राजमा राइस, ग्रीन चटनी, पापड़, रायता, सब चीज़ को उन्होंने एक बहुत अच्छी एक ही प्लेट में डाल के प्याज के साथ डाल के दिया, अचार भी दिया हुआ है। हालांकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे अकेले के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, पता नहीं मैं पूरा कैसे फिनिश करने वाला हूँ। अगर घर भी ले तो मुझे लग रहा है यहाँ से घर तक मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, मैं इतना खाता नहीं नॉर्मली, मेरी डाइट बहुत कम है, बट मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं, पता नहीं मैं बीमारी से उठने के बाद भी मैंने इतना कुछ खाया नहीं है, तो मुझे ज़्यादा टेस्टी आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ब्लॉग मैंने अपनी बीमारी के बाद बनाया, जबकि मेरा खाना पीना बंद था, उसके बाद स्टार्ट किया तो सब कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा मुझे अभी। लव इट यार, आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आओ और बहुत मज़ा करोगे यार। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छे कम रेट हैं, क्वान्टिटी ज़्यादा है, टेस्ट बहुत अच्छा है, टेम्पटिंग है, आप आओ यहाँ पर, आप इन्जॉय करोगे। अभी मैं खा के फिर से बात करूँगा। शंकर मार्केट सीपी शॉप नंबर एक अंकल, सबसे पुरानी शॉप है आपकी राजमा राइस के लिए, कितने पुरानी टाइम हो गया? पारसल फूड के नाम से 72 से ये काम है, 1972 से आप बना रहे हैं। हाँ, और राजमा राइस के लिए इतने ज्यादा मशहूर है आप कि मैं खुद भी इतने सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर, और आज मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं, क्या बताना चाहेंगे कैसे चल रहा है? इसका काम का मूल मंत्र है, जो सामान बचे शाम को फेंक दो। अरे वाह, मतलब फ्रेश बना लो बस, और कोई मूल मंत्र नहीं, मतलब नेक्स्ट डे हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है, बचा हुआ कुछ नहीं होता, यही मूल मंत्र है। बहुत बढ़िया, 72 से आप बना रहे हैं, आप दिल्ली के मशहूर हो चुके हैं इस मामले में राजमा, और कोई मंत्र नहीं है इसमें, आप स्टॉक के लिए फ्रिज मत रखिए बस। अरे वाह, रात को रिक्शा दिखा दीजिए, फेंक दीजिए बस, मतलब आपने फ्रिज नहीं रखा क्योंकि आपने अगले दिन के लिए फ्रेश रखना है। नहीं, बहुत बढ़िया अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, ऐसे बनाते रहे। पराशर फूड नाम से है बेटे? जी बिल्कुल, शॉप नंबर एक है पराशर फूड शंकर मार्केट। थैंक यू अंकल। पेट भर गया बहुत ज़्यादा भाई, मेरी डाइट इतनी है नहीं तो इतनी बड़ी प्लेट मैं फूड को छोड़ नहीं सकता। देखो, खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, हमने यही सीखा हमेशा से, तो लेकिन डबल खाना पड़ा उसके चक्कर में मुझे ये मानने के लिए। सो फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा,
और अभी हमारा ट्रैवल खत्म नहीं हुआ है, सीपी का ट्रैवल हमारा भी खत्म नहीं हुआ, ये ब्लॉग अभी चलेगा। हमारा स्नैक्स हो गया, मील हो गया हमारा, अब उसके बाद मुझे चाहिए कुछ मीठा। खाने के बाद मीठा नहीं हुआ ना तो खाना अधूरा है। सीपी में है, मीठा तो खा के जाएंगे। चलता हूँ अभी इसके बाद, पर थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ मीठे में, डेजर्ट्स में देखते हैं क्या मिलेगा। तो दोस्तों, एक हैवी मील हो चुकी है जो कि मैं इतना खाता नहीं हूँ, आपको मैंने भी बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी आपको पूरा एक सीपी का आउटर सर्कल के चक्कर लगा के आता हूँ, बहुत दिन बाद वैसे भी आ रहा हूँ, तो घूम के मारते हैं एक राउंड आपके साथ में। अकेले तो बहुत राउंड मारे, आपके साथ में राउंड मारना है मुझे। आप देखिए सीपी के दर्शन कीजिए तब तक पूरे। इस सिग्नल के राइट में मेरी फेवरेट जगह है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स। सो दोस्तों, आपको मैं दिखाई रहा हूँ जैसे कि अभी मेरा प्लान है, यहाँ से बहुत शोर है यहाँ पे, बिना माइक के हो सकता है आपको आवाज़ अच्छी ना आ रही हो, बट एक अच्छे से मील के बाद, एक अच्छे से राजमा चावल के बाद मैंने प्लान किया है ओडियन पे आके पान खाने का। भैया ये पान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दिल्ली में आओ और ये पान ना खाओ ना तो मतलब सब कुछ अधूरा है। जितने भी फूड काउंटर पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पॉपुलर से पॉपुलर खाने वाली जगह पर चले जाओ, लेकिन उसके बाद हालांकि मैं दिन में आया और शाम के टाइम अलग ही माहौल होता है जब हम पार्टी शार्टी के बाद आगे पान खाते हैं। मैं बहुत बार आ चुका हूँ, स्पेशली आपके लिए आया हूँ ये पान की दुकान पे, ओडियन पान। ये आप हमेशा गूगल पे भी मारोगे आपको मिल जाएगा, बहुत वैरायटी है पान की, चॉकलेट पान, चुस्की पान, फायर पान, पता नहीं कितने तरह के पान है। तो मैं पहले भी पान खाने वाला हूँ और पान खाते हुए आपसे बात करने वाला हूँ, आइए साथ में। परमेश कुमार जी, परमेश कुमार एक फायर पान बना दो, मीठा पान, फायर पान बिल्कुल बढ़िया सा। ओए ओए, ये देखिए आ गया हूँ। कितने चाहिए बोलेगा दो? अरे फिर बदतमीजी शुरू कर दी कल से। फायर पान चुपचाप क्यों नहीं खड़ा होता खाने के बाद? क्यों नहीं खड़ा होता? मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बोलूँ कैसे आपको, बताऊँ कैसे? आई नीड अ ब्रेक, एक मिनट का ब्रेक। सो पान खा लिया मैंने, अच्छा पान था, फायर पान के साथ उसमें कुछ उसमें आइस भी डाली हुई थी, पेपर मैट भी डाला था, तो पूरा मुंह ठंडा हो गया। पहले कुछ सेकंड में बोल ही नहीं पाया, अभी तक मुंह में पान है, भरा हुआ है, बट सीरियसली बता रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी। आज इतने दिनों के बाद मैं खुद बाहर निकला, वीडियो बनाने के मकसद से निकला, आपको कुछ दिखाने के मकसद से निकला, आपको कुछ बताने के मकसद से निकला, और मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए भी हूँ कि बहुत लंबे परहेज के बाद मैंने आज जो स्टार्ट किया खाना पीना, अपना मस्ती करी, एक बहुत अच्छा मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी, वहाँ पे मोमोज भी अच्छे थे, उसके बाद मैंने एक राजमा चावल आपको दिखाया, वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हालांकि बहुत हैवी हो गया था। उसके बाद बहुत पैदल चलने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और उसके बाद मीठा पान वो भी फायर पान का, मज़ा आ गया यार, मेरा संडे बन गया। आई होप आपको भी अभी तक का मज़ा आओ। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ऐसी कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, चलता रहेगा इस सिलसिला, अभी तो स्टार्ट हुआ है एक छोटे से कमबैक के बाद, अब मैं ऐसी आपके पास जल्दी जल्दी आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आने वाली वीडियोज़ की कुछ मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की हुई है, ट्रैवल थोड़ा रुक के आएगा, आपको पता है अभी ठीक हूँ, थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ तो ट्रैवल थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपके। तो मिलता हूँ जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे भी ऐसे बने रहें मेरे साथ, ऐसे अपना प्यार देते रहें, थैंक यू।